गुड मॉर्निंग 10th क्लास. टुडे वी विल स्टार्ट लेसन 10th चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल. फर्स्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, देन हमने रीड किया कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है. वो थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी. उसके बाद हमने डिस्कस की कि मेटल की हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है. केमिकली हमारे पास मेटल जो होती है वो कैसे रिएक्ट करती है एयर के साथ में, एसिड के साथ में एंड वाटर के साथ में. ठीक है, तो आज हम जो रीड करने वाले हैं वो हमारे पास क्या है कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कि मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करती है, कैसे वो कंपाउंड बनाती है. अभी तक हमने रीड किया है कि मेटल जो है वो रिएक्शन करती है किसी भी रिएजेंट के साथ में, एसिड हो, एयर हो, वाटर हो. तो इन अबव एक्टिविटीज यू सो द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ए नंबर ऑफ रिएजेंट. कि हमने अभी तक एक्टिविटी में ये देखा कि मतलब कि नंबर ऑफ रिएक्शन देखी किसकी, मेटल की उनके रिएजेंट के साथ में. व्हाई डू मेटल रिएक्ट इन दिस मैनर, मतलब कि मेटल जो है वो रिएक्ट करती है अपने रिएजेंट के साथ में, एसिड हो, एयर हो या वाटर हो. ठीक है, तो वो क्यों रिएक्ट करती है. लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इन क्लास 9. क्लास 9th में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है किसी भी एलिमेंट की वो क्या होती है एंड उनकी हमारे पास वैलेंसी क्या होती है. उसी वैलेंसी के अकॉर्डिंग हमारे पास वो क्या करती है, वो रिएक्ट करती है. तो वी लर्न दैट नोबल गैस, हमने वहां पर नोबल गैस पढ़ा था, विच हैव ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल, जिनके पास क्या होती है उनकी कम्प्लीटली जो वैलेंस सेल होती है, वैलेंस सेल क्या होती है, जिनकी इनकी आउटर मोस्ट सेल होती है वो कम्प्लीटली फिल होती है. सो लिटिल केमिकल एक्टिविटी वी देयर फॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट. हमने अभी लास्ट वीडियो में क्या देखा कि कोई भी वो जो एलिमेंट है वो हमारे पास कितना रिएक्टिविटी है, ठीक है, कितना रिएक्टिव है वहाँ पे. तो उनकी जो रिएक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है, कि एज ए टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल, मतलब कि उनकी जो लास्ट वाली अगर सेल है, मतलब लास्ट वाली सेल में वो कितने इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर ले सकते हैं या दे सकते हैं. ठीक है, तो लेट अस हैव ए लुक एट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस एंड सम मेटल एंड नॉन मेटल. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें 3.3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से एक टेबल गिवन है जिसमें हमारे पास कुछ मेटल है एंड कुछ हमारे पास क्या है नॉन मेटल है एंड कुछ हमारे पास क्या है नोबल गैस है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ एलिमेंट है कि वो नोबल गैस है, मेटल है या नॉन मेटल है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करती है तो जिनकी आउटर मोस्ट सेल है, ये उनकी आउटर मोस्ट सेल है, जैसे कि अगर हीलियम है तो हीलियम की आउटर मोस्ट सेल क्या है, के है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ये है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें है. ठीक है, तो यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक नंबर भी 2 होता है, तो के सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. देन नियोन की अगर बात करते हैं तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 हमारे के में एंड एल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सिमिलर आर्गोन में एटॉमिक नंबर 18 है, तो के में हमारे पास 2 देन 8 देन 8 यहाँ पर हमारे 18 कम्प्लीट है. देन हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल में क्या है, जैसे कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है. के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, देन एल में 8 आते हैं, 8 आने के बाद 8 + 2 = 10 एंड देन 1 = 11. तो यहाँ पे क्या, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये 1 को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है किसी अनदर एलिमेंट को. देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अगर बात करते तो एटॉमिक नंबर 12 है, के में 2 है, एल में 8 है, एम में भी 2 है, तो दैट मीन्स ये किसके साथ कंपाउंड बना सकता है. एल्युमिनियम में क्या है, एटॉमिक नंबर 13 है, 2 है, 8 है, 3 है. पोटाशियम में 19 एटॉमिक नंबर है, 2881. तो आउटर मोस्ट सेल में हमारा डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ वहां पर कंपाउंड बनाता है. उसके बाद आता है हमारे पास नॉन मेटल. नॉन मेटल जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 है, एल में के में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, देन हमारे पास क्या है, एल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन में फिर 8, 2, 6, देन फ्लोरिन में 9 है, 2, 7. अब ये 7 क्या है, इस सेल में हमारे पास अगर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, दैट मीन्स हर एलिमेंट के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने चाहिए. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सोडियम में भी नहीं है हमारे पास, यहाँ पर 1 है, 8 होना चाहिए, लेकिन है क्या, 1. सिमिलर नाइट्रोजन में यहाँ पर 5 है, 8 होना चाहिए हमारे पास,
ऑक्सीजन में भी 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने लेस है, यहाँ पर 3 लेस है। जितने भी लेस है 8 से वो उसके क्या होती है, वैलेंसी होती है। ऑक्सीजन में 6 है, 8 होने में 2 लेस है, तो दैट मींस इसकी 2 वैलेंसी है। फ्लोरीन में 1 लेस है, दैट मींस फ्लोरीन की 1 टेंडेंसी है। सिमिलर फॉस्फोरस में क्या है, फॉस्फोरस में भी 5 है, होने चाहिए 8, तो यहाँ पे कितनी है, 3 वैलेंसी है। सल्फर की 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी है क्योंकि 6 है। क्लोरीन में क्या है, 7 प्रेजेंट है आउटर मोस्ट में, लेकिन होने कितने चाहिए, 8, तो 1 इसकी क्या है, वैलेंसी है। अब ये कंपाउंड कैसे बनाते हैं, जैसे कि अगर हम मेटल की बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, जैसे कि हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के आउटर मोस्ट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एंड वहीं पे हमें पता है सोडियम एक हमारे पास ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है NaCl, तो ये हमारे पास कैसे बना, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है एंड क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट में है वो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को। तो अब मेरे पास क्या है, अब जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, अब इसके आउटर मोस्ट में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। एंड क्लोरीन जब इस वाले को गेन करता है तो यहाँ पर भी क्या हो जाते हैं, 8। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको याद क्या रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। एंड जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। तो इस टाइप से मेरे क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, इस टाइप से मेरे क्या बनते हैं, कंपाउंड वहां पर बनते हैं। अब ये मेरी क्या है, ये मेरी मेटल है एंड ये मेरी क्या है, नॉन मेटल है। तो इस टाइप से मेरे क्या बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड बनते हैं। हम यहाँ पर अगेन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ पर मैग्नीशियम को कंसीडर करते हैं एंड यहाँ पर कैल्शियम को। कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 7 है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में क्या है, 2 है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसे दे देता है, क्लोरीन को। मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसे देता है, क्लोरीन को। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब मैग्नीशियम 1 यहाँ पर, तो मेरे पास क्लोरीन 1 ही ले सकता है, तो यहाँ पर जिसकी वैलेंसी 2 है वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको देगा और 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसे देगा। तो तब मेरे पास यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, जैसे एक इसने एक इस सीएल को दिया, दूसरा इसको दिया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनता है, MgCl2। कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 ये इस क्लोरीन को देता है, 1 ये इस क्लोरीन को देता है। तो इस टाइप से मेरे पास यहाँ पर कंपाउंड बनते हैं। इसी टाइप से मेरा कंपाउंड बनता है कैल्शियम का, कैल्शियम में भी क्या बनता है, कैल्शियम Cl2। तो ऐसे मेरे मेटल और नॉन मेटल के क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। तो हमने टेबल को रीड किया, वी कैन सी फ्रॉम टेबल दैट ए सोडियम एटम के पास क्या है, हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। इफ इट लॉस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एम सेल से, देन इट्स एल सेल। सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट मतलब कि लास्ट में जो सेल है उसके इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एंड बिकम द आउटर मोस्ट सेल एंड ए स्टेबल ऑक्टेट, दैट मीन्स कि उसका एक ऑक्टेट 8 हो जाएगा। दैट मीन्स हर सेल के आउटर मोस्ट में क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जब 8 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगा। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज 11 प्रोटॉन बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बिकम 10। अब प्रोटॉन कितने हैं, 11, लेकिन एक उसने लॉस कर दिया तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं उसके पास, 10 बचते हैं। सो देयर इज ए नेट पॉजिटिव चार्ज गिव अस ए सोडियम कैटायन, जैसे कि ऐसे हमने सो किया। ऑन द अदर एंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन, 7 उस पे थे लेकिन एक उसने सोडियम से लिया है, अगर वो सोडियम से लेता है तो उस पर चार्ज क्या आता है, एंड इट एक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्लोरीन अगर एक लेता है तो यहाँ पर 8 हो जाता है एंड सोडियम अगर एक देता है तो यहाँ पर 8 है। अगर 8 है तो वो हमारी क्या होती है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन होती है। इफ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट द इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द सोडियम कुड बी टेकन बाय द क्लोरीन। सोडियम वहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस करता है एंड सोडियम क्या करता है, लेता है। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट ए यूनिट चार्ज। जब क्या करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस पर एक चार्ज आता है क्या, नेगेटिव चार्ज। बिकम इट्स न्यूक्लियस एट 17, तो प्रोटोन है, प्रोटोन 17 है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दिस गिव अस क्लोरीन नेगेटिव, नहीं 17 इलेक्ट्रॉन एंड देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के एल एन एम एन सेल, क्योंकि एक इसने गेन कर लिया। दिस गिव अस क्लोरीन नेगेटिव, सो बोथ दिस एलिमेंट कैन हैव गिव एंड टेक
रिलेशन बिटवीन देम, मतलब कि अब सोडियम ने यहाँ पर क्या किया कि सोडियम ने यहाँ पर कहते 281, तो एक लॉस कर दिया, तो क्या बचा 28 एंड पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, जो लॉस करता है वो क्या उस पर चार्ज क्या है पॉजिटिव, वो क्या बन जाता है कैटायन। क्लोरीन क्या करता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस पर क्या आता है नेगेटिव चार्ज आता है, कन्फिग्रेशन क्या बन जाती है 288। अब ये क्या है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जब ये कंबाइन करता है, जब इसने इसको दिया, ये डॉट क्या बताती है एक इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, जब ये एक ले लेता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। तो इसी टाइप से मैं नंबर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के क्या बना सकती हूँ कंपाउंड बना सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सोडियम का कंपाउंड बनाया है, वैसे ही मेरा क्या बनेगा यहाँ पर पोटाशियम का कंपाउंड बनता है KCl, इसी प्रोसेस से कि सबसे पहले पोटाशियम क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, देन क्लोरीन उसे गेन करेगा, तो क्या बनेगा मेरे पास KCl कंपाउंड बनेगा। सोडियम एंड क्लोराइड आयन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्टेंस सोडियम क्लोराइड। अब ये NaCl बना क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनको बाइंड करके रखती है, तभी ये मेरा क्या बनता है NaCl। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मोलिक्यूल, ये एक मोलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बट एग्रीगेट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन, किससे बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के आयन से बनता है, मतलब दोनों पॉजिटिव भी चार्ज है और नेगेटिव भी चार्ज है, जब दोनों होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं आयन। अगर एक ही चार्ज प्रेजेंट है तो वो कटायन होता है, अगर नेगेटिव अगर प्रेजेंट है तो एनायन होता है, अगर ये दोनों चार्ज इकट्ठे हैं लाइक NaCl तब वो क्या बन जाता है एक आयन बन जाता है। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड। सबसे पहले हमने क्या किया कि NaCl का कंपाउंड बनाया, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक मैग्नीशियम का कंपाउंड बना के देखते हैं। मैग्नीशियम क्या करता है अपने आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, होने 8 चाहिए तो 2 क्या कर देता है डोनेट कर देता है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला क्लोरीन रखता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाला, तो दोनों क्लोरीन के पास क्या रहते हैं 288 क्लोराइड आयन हो जाते हैं। तो मैग्नीशियम क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दूसरा इसको, तो क्या बन जाता है MgCl2 बन जाता है। तो ये है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या किया ट्रांसफर किया है इलेक्ट्रॉन का किससे मेटल से नॉन मेटल टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ये हमारे कंपाउंड कैसे बनते हैं आयनिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर एक पर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, या फिर हम इनको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन मैग्नीशियम क्लोराइड, हाँ जी ये हमारे पास क्या होता है मैग्नीशियम का कैटायन है, ये हमारे पास क्या है क्लोराइड का वहां पर कैटायन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आपको क्या करना है इस वीडियो को लाइक करना है सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव ए नाइस डे।